श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ गया है 8 मार्च को और गुरु जी पंडित जी पति मिश्रा जी द्वारा बताए विशेष उपाय हैं, इस दिन आप अवश्य कीजिएगा और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी जल्दी पूरी कर दे। जो आप मांगे महादेव आपको वह सब अवश्य दे ही दे, जो आपके हित में हो और आपके लिए अच्छा हो। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। कोई भी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी हो गई है, दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा है, लोग हंसने लग गए हमारे ऊपर और हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, हम कई प्रयास करके थक चुके हैं, कई बार बाबा को बोल के थक चुके हैं, तो इस महाशिवरात्रि आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको क्या करना है देखिए, आपको 3 दीपक तैयार करना है। जी हाँ, और इस महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको 3 जगह गोल बाती के दीपक लगाना है। पहला दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, ठीक है, पहला दीपक। दूसरा दीपक आपको लगाना है आंवला के वृक्ष के नीचे, ठीक है, और तीसरा दीपक लगाना है महादेव के सम्मुख, यानी किसी भी शिवालय में जाकर आप तीसरा दीपक लगा दीजिए। ये विशेष दीपक, 3 दीपक वाला उपाय इस महाशिवरात्रि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आपके सारे कार्य अवश्य पूरे होंगे ही होंगे। दूसरा उपाय, धन की बहुत कड़की है, ठेला चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं आप और पैसा बिल्कुल भी नहीं है, कई प्रयास करके देख चुके हो पर पैसों की तंगी दूर नहीं हो रही है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आवक नहीं है, अच्छा घर नहीं बना हुआ है, सोच रहे हैं कि पैसे पैसा आ जाए, हमारा यह कार्य हो जाए, तो धन संपदा बढ़ाने वाला यह उपाय है। जी हाँ, और गुरुजी ने कहा है जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके सारे कार्य पूर्ण होने लगते हैं, यानी कि बाबा की कृपा उस पर होना शुरुआत हो जाती है। तो आप क्या करेंगे देखिए, आपको लेना है 5 बेलपत्री, जी हाँ, और 5 बेलपत्री लेकर आप शिवालय जाएं और शिवालय पहुंचकर आपको 5 जगह बेलपत्री को समर्पित करना है इस महाशिवरात्रि। 300 वर्ष बाद आई है ऐसी महाशिवरात्रि, जी हाँ। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले 1 बेलपत्री आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है और डंडी का भाग जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में कीजिएगा। दूसरी बेलपत्री आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जहाँ माँ पार्वती का कटी भाग कहते हैं, जी हाँ, वो दोनों पत्तियों आप वीडियो में देख लीजिएगा कैसे समर्पित की है। दूसरी बेलपत्री आपको सेम ऐसी की सी समर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। चौथी बेलपत्री आपको जहाँ से जल फेंके जाता है और जल नीचे गिरता है, जी हाँ, जमीन पे नीचे गिरता है जल, यहाँ पर चौथी बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। और पांचवी बेलपत्री नंदी जी का जो चरण उठा हुआ रहता है ठीक उस चरण के पास में 5वीं बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। ये विशेष धन प्राप्ति उपाय हैं इस महाशिवरात्रि करेंगे आप और आपको खुद परिवर्तन नजर आ जाएगा कि बाबा ने आपको कितना दिया है। तीसरा उपाय, यह उपाय है गेहूं की बाली का। जी आपने बहुत देखा होगा, वीडियो बहुत चल रही है अभी, ये वाली गेहूं की बाली वाला उपाय। क्या करना है देखिए, आपको 7 गेहूं की बाली लेना है, पर अगर गेहूं की बाली नहीं मिल पाए तो गेहूं तो मिल जाएंगे ना आपको, 7 गेहूं के दाने भी आप ले सकते हैं। जी हाँ, क्या करेंगे, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता है, भाई भाई में विवाद हो रहा है, बहन भाई में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता रहता है, तो यह विशेष उपाय आप करके देखिएगा। आपको क्या करना है, पूरे घर में गेहूं की बाली को घुमाते हुए बाहर निकल जाना है और बाहर निकाल कर शिवलिंग के ऊपर जिस व्यक्ति के कारण लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है, जिस व्यक्ति से आपकी नहीं बनती है, उसका नाम और गोत्र बोलकर समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, ये विशेष उपाय करके देखना, घर में लड़े झगड़े कलेश बिल्कुल बंद हो जाएंगे। चौथा उपाय, जैसा कि गुरुजी पंडित जी ने बताया है कि शिवरात्रि के दिन महादेव का मंगल विवाह नहीं हुआ था, महादेव का प्रकट उत्सव हुआ था, यानी महादेव प्रकट हुए थे। जी हाँ, सबसे पहले जो शिवलिंग का निर्माण हुआ था वो महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था, जो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने
किया था। शिव महापुराण कथा अगर आप सुनते हैं तो कथा, हर कथा में गुरु जी इसका व्याख्यान करते हैं, बताते हैं। तो उस महाशिवरात्रि के दिन अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से अटकी हुई है, यकीन मानिएगा कई उपाय कर लिए हैं आपने, कई पशुपतिनाथ व्रत करके देख लिए, सोमवार की अष्टमी के उपाय करके देख लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो फिर आप ये उपाय शिवरात्रि के दिन अवश्य करना, आपके घर के गमले में ही करना। जी हाँ, घर के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक छोटा सा शिवलिंग बनाना लिंग आकृति का, और जैसी पूजा आपको आती है ना वैसी पूजा कर लेना। जी हाँ, जैसी भी आती है, जल चढ़ा देना, चंदन लगा देना, चावल चढ़ा देना बाबा की, आरती उतार लेना बाबा की, जैसी पूजा आती है, पर ध्यान रखना उस दिन शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना। मुझे कमेंट आया था कि दीदी गुरुजी क्या ऑनलाइन अभिषेक कराएंगे, तो गुरुजी सावन की शिवरात्रि में ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं, इस महाशिवरात्रि पे नहीं कराते, क्योंकि अभी हाल ही में तो रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, इसलिए। तो आप घर में ही एक छोटा शिवलिंग का निर्माण करना, जैसी पूजा आती वैसी पूजन कर लेना, और 15 से 20 मिनट के बाद आप बाबा का विसर्जन उसी गमले में कर देना। यकीन नहीं मानेगा, जिस भी कामना से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे ना शिवरात्रि को, उस दिन बाबा से जो मांगते हो बाबा आपको देते ही देते हैं। तो विशेष उपाय है, अवश्य कीजिएगा, घर में ही करना है। पांचवा उपाय देखिए, विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में यह उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा और कोई मनोकामना काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, देखो अटके हुए कार्य को पूरा करने वाला यह उपाय। आपको जो उपाय सरल लगता है, आसानी से आप समझ के कर सकते हो बिना किसी गलती के, वो उपाय आप इस शिवरात्रि पर तो कर ही लेना। जी हाँ, एक बेलपत्र लीजिएगा, अपने सीधे हाथ की हथेली पर चंदन लगाइएगा, पूरी हथेली पर चंदन लगा लीजिएगा, और एक बेलपत्री लीजिएगा। बेलपत्री लेकर शिवालय पहुंचकर बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना, ठीक है। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना, और उसी बेलपत्री के ऊपर अपनी हथेली भी रख देना, और अपनी मनोकामना बोल देना कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है जो काफ़ी समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, आप इस मनोकामना को अवश्य पूरा करें, बस इतना सा कहना है, फिर देखना आपकी मनोकामना महादेव कितनी जल्दी पूरी करते हैं। तो इस शिवरात्रि ये उपाय अवश्य कीजिएगा। छठा उपाय देखिए, गुरु जी ने पहले की कथा में ये उपाय बताया था कि अगर महादेव नहीं सुन रहे हो, बहुत प्रयास कर गए हो, थक से गए हो, हार से गए हो, चाहे विवाह को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, तो इस शिवरात्रि बाबा पे जल मल चढ़ाना। आप यह उपाय करना, क्या करना, एक लोटा जल लेकर जाना, और उस एक लोटे जल को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। पूरा एक लोटा जल बाबा के ऊपर समर्पित मत करना और घर आ जाना। यह ऐसा उपाय है, अगर आपने कर लिया ना तो बाबा सोचेंगे, अरे ये रोज आता है मुझ पर जल चढ़ाता है, आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर इसने माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया, मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया है, तो बाबा अवश्य सुनेगा ही सुनेगा। तो यह विशेष उपाय भी गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। इन उपायों में से आप कोई एक उपाय भी कर लेते हो तो आपकी मनोकामना तो पूरी होती ही होती है। अब इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, अगर आपने इस शिवरात्रि करा तो आने वाली शिवरात्रि तक आपकी वह इच्छा तो पूर्ण होगी ही होगी। क्या करेंगे, आपको लेना है एक काली मिर्ची, 7 काली तिल्ली के दाने, सीधे हाथ की हथेली पर रखना। क्या क्या, 7 काली तिल्ली के दाने, 1 काली मिर्ची, अपनी मनोकामना बोलकर घर के मंदिर में ही, आपका जो घर का मंदिर हो वहीं पर ही शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देना, फिर देखना बाबा कितनी जल्दी सुनता है। तो यह कुछ विशेष उपाय है जो आप इस शिवरात्रि कर अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।